अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूप बनाने का आसान तरीन तरीका। तो पहले हम लूप बनाते थे, मतलब सिलाई लगाई, उसके बाद उसको निकालते हुए काफ़ी टाइम लग जाता था। तो ये लूप एक्चुअल में हमारी डिज़ाइनिंग के का एक अहम पार्ट बन चुका है। तो किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए अक्सर औकात हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें चाहिए है सिंपली एक अदद फालतू कपड़ा। उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप बहुत चौड़ाई में ज़्यादा लेंगे मेरी, क्योंकि किसी चीज़ की कटिंग है। तो मैं इसको बनाने के बाद इसकी कटिंग कर लूँगी और आपको दिखाऊँगी भी। दूसरी चीज़ हमें जो चाहिए है वो ये डोरी है। ये हमारी सिर्फ़ और सिर्फ बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, बाकी सिर्फ इतने पीस के अलावा इसका कोई काम नहीं है। ये ज़ाया जो होगा वो सिर्फ इतना पीस होगा, इसके अलावा बाकी जो डोरी होगी वो आपके पास एज इट इज़ बच जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले अपना ये पाँव बदलना है। तो इसके लिए मैं इसको ऊंचा करके इसको पाँव को बदल रही हूँ, क्योंकि ये सिंगल पैर से लगती है। तो सिंगल पैर सबसे पहले हम लगा लेंगे। पाँव तब्दील करने के बाद ढीला ना हो बस ये, ठीक है। पाँव तब्दील करने के बाद हमने इसको इस तरीके से डोरी को इसके अंदर रखना है ऐसे, और यहाँ से सिलाई लगा देनी है इस तरीके से यहाँ से, ताकि ये निकले ना। कोशिश करें कि इसको दो दफ़ा लगा दें ताकि ये अच्छे से पक्की हो जाए, क्योंकि यहाँ से तो कटिंग हो ही जानी है। अच्छा, ये हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दूसरा जो काम होगा वो हमारा पाँव, देखें कि लेफ़्ट साइड वाला है तो हमें डोरी को राइट साइड पर रखना है, ठीक है। अगर आपके पास जो सिंगल पैर है वो राइट साइड वाला है तो आप इसको लेफ़्ट साइड पर रखेंगे, इस चीज़ का बस ध्यान कीजिएगा। और इसको जब डोरी को स्टार्ट करना है तो हमने सिलाई बिल्कुल डोरी के साथ नहीं लगानी, हमने इसको बिल्कुल यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट करना है। इसको खुला रखना है ताकि ये इजीली खींची जा सके, ठीक है। इसको मैं एक्स्ट्रा कपड़े को काट देती हूँ। डोरी के साथ, शुरू से डोरी के साथ सिलाई ना आए, खुली रखिए। और आहिस्ता आहिस्ता इसको डोरी के करीब लाके बिल्कुल डोरी के साथ कर दिया जाए। ये देखिए, अब यहाँ से ये काफ़ी दूर है, आहिस्ता आहिस्ता आते आते ये यहाँ से डोरी के करीब आ गई है, ताकि ये इजीली निकल आए। तो अब मैं इसको डोरी के साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ। जितनी लंबी आपको लूप चाहिए है आप उतनी लंबी इसको सिलाई लगा लें। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। मुझे जितनी लंबी लूप चाहिए थी मैंने उतना लंबा ही कपड़ा लिया था। तो ये देखें, अब ये जो इसके साथ साथ है मैं इस कपड़े को कटिंग कर लूंगी।
तो इसको निकालने के लिए आप ध्यान कीजिए कि मैं इसको यहाँ से खींच रही हूँ ऐसे डोरी को, और एक्चुअल में ये सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है वो यहाँ से निकालना होता है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखें, अगर हमने सिलाई बारीक ली होती तो हमारे लिए मुश्किल पेश आती। अब क्योंकि हम सिलाई मोटी ले चुके हैं यहाँ से, तो हमारे लिए निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये कपड़ा भी जो है, ये मेरे पास हार्ड कपड़ा है। अगर आपके पास अटल है या कोई रेशमी कपड़ा है, उसकी तो एक मिनट के अंदर अंदर निकल आती है। ये देखें, यहाँ से एक दफ़ा अंदर चला जाए तो फिर तो इजीली आप इसको खींचते रहें थोड़ा थोड़ा करके। डिज़ाइनिंग में हमेशा सिर्फ लूप निकालना ही मुश्किल काम लगता है, लेकिन इस तरीके से ऐसे हार्ड कपड़े से निकालना भी आसान हो जाता है थोड़ा सा। देखें, आसानी से इक्वल और कितनी प्यारी डोरी निकल रही है। इसमें देखें, हमारे पास जो डोरी इस्तेमाल हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी इस्तेमाल हुई है, जो एक हाफ इंच के बराबर भी नहीं है। जो इस तरीके से बनाने का एक तो फ़ायदा ये होता है कि इक्वल बनती है, कहीं से छोटी कहीं से बड़ी नहीं बनती, कहीं से मोटी कहीं से तंग।